हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद खनवे ऑफिशियल। तो गाइस, आज हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त, सब इधर सब बैठे हैं। नाम बताने जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा आगे व्लॉग में। बाकी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद थ्रू दी बस। बाकी देखेंगे कौन सी बस से जा रहे हैं, वो उधर देखते हैं। मुझे पता है लेकिन आपको बाद में बताएंगे। और ये सामान देखें, बहुत कम सामान है। इतने जने जा रहे हैं इस बड़ी सी गाड़ी में चंगान। तो गाइस, अभी हम बस स्टॉप पे आ गए। बस स्टॉप नहीं, फैसल मुवर्स पे आ गए हैं। तो हम जा रहे हैं फैसल मुवर्स की थ्रो। बस आएगी बिजनेस क्लास, हमने सेलेक्ट की है क्योंकि मज़े से बैठे हैं। एक जगह बहुत दूर है तो हमने कहा सुकून वाली रिलैक्स वाली जगह हो, इसलिए बिजनेस की है। और बाकी है, मेरे साथ चल रहा है पीयूष, जिसकी तैयारी है। हाँ, ऐसी तैयारी है। लेकिन सीन इधर ऐसे ये हो गया है कि हम आ गए जल्दी और बस हो गई है लेट। क्या समझे आप? क्या बोला तूने? मतलब कि हम जल्दी तो आ गए, टाइम से जल्दी आ गए, क्योंकि पता नहीं हमें इतना शौक है घूमने का। बस जज्बाती हो गए। हाँ, और घूमने का शौक है इसलिए शायद, क्योंकि बाद में हम नस्क की टेस्ट दे के, खास करके हम जा रहे हैं नस्क की टेस्ट के लिए, लेकिन बाद में जाएंगे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए शायद शौक है हमारा, इसलिए अब हम खड़े हो। हाँ। अभी हुए हैं सारे पीछे खड़े हैं, बस अब बस का इंतजार है। बाकी पीयूष आपको बताएगा। बस सीन ये है, बस हमारी टेस्ट है 8 तारीख को, NET 1 है। तो टेस्ट देने के बाद हम अपनी रिजल्ट तो चेक नहीं करेंगे, हमें पता है रिजल्ट क्या आनी है। बात सही। उसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ा, कुछ एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ा। जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। एक वीक पहले पढ़ा था, 1 वीक पहले पढ़ा था, लेकिन सब कुछ भूल गया हम। लेकिन अभी डिसाइड किया है कि हम बस में पढ़ेंगे। हाँ। कुछ मछलियाँ करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सोएंगे, ऐसे ही करेंगे। 18 आवर की राइड है, तो मतलब इस हिसाब से तैयारी भी चलेगी और मस्तियाँ भी चलेंगी। लेकिन मेरी भी 40% तैयारी है, देखते हैं। उसके बाद हमारा सवात और मरी का सीन है, अगर वो सीन हो गया तो काम 25 है, फिर भी देखते हैं क्या पता होगा। बिल्कुल होगा। और हमारे साथ है पिया, बॉयज है ये। कहाँ भाग रहे हैं आप? कहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद। हमें पता नहीं है, मेरे साथ चल रहे हो, मुझे पता नहीं होगा यार। ओके, मिलते हैं बाद में। तो गाइस, अब बस आ गई है, सारे हम खड़े हैं, बस सामान उतर रहा है, सारे इधर खड़े हैं, सामान उतर रहा है, पता नहीं अब हम चलेंगे बस। गाइस, अभी हम पहुंचे हैं रहीम यार खान। इधर ब्रेकफास्ट का सीन है, देखते हैं। सर्दी इधर बहुत है, शायद हम पंजाब के अंदर आ गए हैं। पंजाब के अंदर ही ये रहीम यार खान। मुंह धोना है लेकिन पानी ठंडा होगा कौन तो है।
लेकिन चलो धोख के आते हैं और मिलते हैं अब नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद। तो गाइस अब बस हम निकल रहे हैं, इधर आग का मज़ा लिया, सर्दी में आग का मज़ा ही और होता है। गाइस अभी हम पहुंचे हैं मुल्तान में, एक मिनट भी हमने नींद नहीं की, ऐसे ही बैठे रहे। पीयूष आपने नींद की? नींद क्या भाई, हालत हो गई नींद की। क्यों जा रहे हो? एक तो बस में जो ना इन्होंने हॉर्न बहुत ज्यादा बजाया, हालत हो गई हमारी, सुन सुन के कान हमारे पक गए। और उनकी भी गलती नहीं थी, क्यों मोटर में बंद था, मोटर में बंद था बस, तो पता नहीं कहाँ से चले तो बार बार हॉर्न हॉर्न हॉर्न, तो हम तंग हो गए। बाकी मुल्तान में आए, पीयूष लेगा अपने पप्पा के लिए हलवा, तो हलवा लेते हैं। आज हलवे का शौक हुआ है? हाँ हलवे आप खुद तो नहीं खाओगे? सुना है कि मुल्तान का हलवा बहुत मशहूर है, तो बहुत लेट्स ट्राई इट ब्रो। बहुत मशहूर है, फॉरेन में भी जाता है। दोनों आधा आधा किलो अखरोटी और स्पेशल बादाम पिस्ता। सही है, चलें शुक्रिया। चलो तो हमने एक डब्बा ले लिया है, पीयूष ने दे लिया, मैंने नहीं लिया। किसके लिए लिया पीयूष? पापा के लिए। पापा के लिए, मैं नहीं खिलाओगे? हाँ अब भी खाएं सर। सर ओके, फिर मिलते हैं। अब हम निकल रहे हैं, तो बस मिलते हैं अब डायरेक्ट इस्लामाबाद 6 घंटे के बाद। पहुंचे तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 घंटे में पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो इधर बहुत पॉपुलर जगह है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ नहीं कर ही दे रहे हैं, पता नहीं लगे। सर्दी में मर रहे हैं, तो आपको आप मिलते हैं कहाँ? मिलते हैं इस्लामाबाद मिलेंगे। हर एक क्लिप के बाद मैं यही बोल रहा हूँ यार, फिर हो गया, लेकिन आ रहा ही नहीं है, मैं क्या करूँगा? नहीं आ रहा है क्या है इतना, मैं क्या करूँ क्या? The view, bro. View अच्छा है जगह। Yeah, quite good view, bro. So guys, बस तो आपको दिखाई नहीं कि कैसी सीट है ये, कितने सिलावे हैं। और भी सो जाओ। पहले भी लगी हुई है, कोई मूवी सॉन्ग वो भी सुन सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। वो तो मोटरवे की वजह से यार, वो फॉग थी, इसलिए फॉग की वजह से बस सारा काम खराब हो गया, लेकिन फिर भी ट्रेन बेस्ट है। बस बेस्ट, बात खत्म हो गई। हाँ बात खत्म है, खत्म, बस एंड हो गई, रोक रहे हैं बस। पिंडी और बस चेंज की है, क्योंकि हमें जाना है फैजाबाद, तो ये बस चेंज हुई है। बस ये तो अच्छी लग रही है, क्योंकि पंजाब की बस है ना, तो अच्छी होंगी। देखते हैं कौन कैसे चलती है, देखते हैं कौन से होटल है। ये तो मसाज हो रही है यार, ये व्लॉग तो आनंद गए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हाईजैक करूँगा और ये बताऊँगा कि अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं फैज़ाबाद, और आप मुझे नहीं पहचान पा रहे लाइटिंग की वजह से, तो मैं अली रज़ा बलोच हूँ। आनंद मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हो? आप मुझे जानते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो यार हम ऑलमोस्ट अब फैज़ाबाद पहुंचने वाले हैं, फिर हम वहाँ से निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। थोड़े ही मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ से, बट बहुत ख्वाही हुई है, लाइक हमें एक बस से उतारा गया, फिर दूसरी बस में, और बहुत टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे रास्ते में। मैं बोल रहा हूँ ट्रेन अच्छी है ना? यार ट्रेन अच्छी है, लेकिन मे बी इसकी सीट्स मोर कंफर्टेबल है देन ट्रेन, तो
ख्वारी तो बहुत हुई है, लेकिन इस ख्वारी को रिकवर करने के लिए हम इस ब्लॉग में, हाँ नसीब में लिखा हुआ था, अब होना था, हो गया। अब इस ख्वारी को रिकवर करने के लिए हम इस ब्लॉग में आगे बहुत ही मज़ा कर देंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, और अल्लाह हाफिज़, फिर से मिलूँगा इसी ब्लॉग में, बाय। पहुंच गए हैं फैजाबाद में और हमने टैक्सी भी कर ली है, तो बस हम टैक्सी में चल रहे हैं। हमने दो टैक्सियाँ की है, एक ये रही और एक हमारी जा रहे हैं, गेस्ट हाउस बुक किया है, वहाँ जा रहे हैं। गाइस हम अपने गेस्ट हाउस में पहुंच ही गए और गेस्ट हाउस का नाम है इस्लामाबाद, नाम भी इस्लामाबाद गेस्ट हाउस है यार। तो हमने दो रूम लिए इधर क्योंकि हम आठ बंदे दोस्त हैं मेरे साथ, एक कमरा ये देखें कौन सारे इधर ही बैठे हैं शायद, ये सब शौक है एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये दो दो साथ हैं चार टांगे साथ। कैसा है गेस्ट हाउस? बहुत अच्छा, बहुत या अभी दो मिनट नहीं हुआ अच्छा देखा कुछ नहीं। तो दूसरा रूम है ये हमारा, देखते हैं ये भी सेम ही होगा, सारे उधर ही बैठे हैं, हीटर भी है, तो जैसे तैसे रूम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हैं सिंपल लेकिन अच्छे हैं, सही है हमारे लिए, और क्या चाहिए रूम में, हीटर है, गर्म पानी मिलेगा, ऐसी लगी पर ये बाकी क्या चाहिए, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस हम बाहर निकले हैं गेस्ट हाउस से बाहर घूमने के लिए, ऐसे ही वॉक करने के लिए, तो हम ये शायद मेट्रो ट्रेन है वो, ये देखते हैं आगे क्या है, ऐसे ही वॉक करते करते आ गए इधर, देखते हैं। या पिया वाओ ओपी भाई, ये तो अच्छी बनी हुई है, मैं इंडिया से हो क्या हूँ वो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी है यार, ऐसी उम्मीदें नहीं थी पाकिस्तान से। हाँ ये आपको कैसे लग रही? बहुत बहुत अच्छी, और जिन्ना के फोटो लगे हुए हमारे, बड़ा काम है इधर। तो गाइस तो हमने बस मेट्रो बस की टिकट ले ली है, चार जने हमने चार टिकट ले ली, चलते हैं ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए, काम तो वो कोई नहीं है, ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं बाहर। गाइस सो वी आर वेटिंग फॉर द बस। दो साइड हैं, एक आने की एक जाने की, इधर से हम आए और उधर गए, अब इधर से जाएंगे। अंदर इतनी इतनी रश थी अंदर कि मैं शूट ही नहीं कर पाया, जैसे तैसे हमने 30 रुपये दिए और चक्कर लगा के आए, जहाँ तक हमारा शौक था बस आगे। तो अब चलते हैं गेस्ट हाउस वापसी। क्या क्या है, अभी 7 बजे, ये क्या इंसान है, ये क्या इंसान है, ये सारे पागल हो गए, सुबह सुबह में सोने नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ से आए, हैदराबाद के लोग हैं इन्हें। तो गाइस सीन ये है कि सुबह से लेके शाम के 6 बज रहे हैं, पीयूष मतलब पीयूष इतना पढ़ रहा है, मतलब सब इतना पढ़ रहे हैं, बस
जैसे पहले कभी पढ़े ही नहीं हो, बस ये एक ही दिन हमें मिला है कि हम पढ़ रहे हैं बस। पीयूष कैसे, सही बोल रहा हूँ? यानी थोड़ा इधर भी ध्यान दो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बस। तो आज का बस बाहर ही नहीं निकले जी, बाहर नहीं निकले, पर बात ये है कि पूरा साल में हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम आखिरी दिन में पढ़ रहे हैं। आपने 3 महीने की तैयारी? नहीं नहीं, कोई 3 महीने नहीं की, बस टाइम नहीं मिलता यार, कभी किधर कभी बाहर चले जाते हैं। 15-20 दिन आपने? 15-20 दिन तरीके से नहीं की ना बस, की और सुबह से लेके बारिश हो रही है, सुबह से शाम तक अभी तक बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही तेज यार, क्या सीन है, क्या व्यू है, लेकिन हम बाहर ही नहीं जा सकते, हम भी क्या करें। तो व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं, अभी हम पढ़ेंगे तो गुड बाय। और व्यूज आएंगे क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो नेक्स्ट व्लॉग अच्छा ही होगा। तो बाय, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।